नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुधा ज्ञानवाणी में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दूंगी। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई 2017 को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 17 जुलाई 2017 को नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और 20 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति के कार्य, दायित्व, अधिकार, निर्वाचन तथा महाभियोग के बारे में बताया गया है। यूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि देश का सर्वोच्च पद होता है, इसीलिए देशवासियों के लिए यह चुनाव बहुत अहमियत रखता है। अब हम बात करेंगे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की। तो दोस्तों, यह बेहद अनूठा है और इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका कह सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति में अनेक देशों के चुनाव पद्धतियों की अच्छी बातों को चुनकर शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है, यानी जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए लोग करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार होता है। इस चुनाव में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की ओर से संसद के नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते और राज्यों के विधान परिषदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने सदस्य नहीं होते। 70वें संविधान संशोधन 1952 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए नहीं कराया जा रहा। प्रत्यक्ष निर्वाचन को कुछ कारणों से नहीं चुना गया। पहला, भारत की बड़ी जनसंख्या और बड़े आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना न सिर्फ महंगा होता, बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता। दूसरा, पूरे देश द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी न स्वीकारता और शक्ति संघर्ष होने लगता। तीसरा, हमारे संविधान ने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया था, इसीलिए हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो संवैधानिक प्रमुख हो, ना कि वास्तविक प्रमुख। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम उम्मीदवार से अपनी प्राथमिकता तय कर देता है। वह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। दोस्तों, अगर पहली वाली पसंद से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की। यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से भिन्न होता है। इसमें मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देता है और सबसे अधिक मत पाने वाला चुनाव जीत जाता है। हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका तथा पंचायत के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया।
इसमें वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के बीच विधायकों का वेटेज भी अलग अलग होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति वही बनता है जिसे सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल हो। दोस्तों, इस चुनाव में यह पहले से पता होता है कि जीतने वाले को कितना वोट पाना होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की कुल वेटेज 10,98,882 होता है और जीतने वाले उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार पहले यह कोटा हासिल करता है वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले का मतलब है वोट काउंटिंग की प्राथमिकता पर गौर करना, क्योंकि सांसद या विधायक वोट देते वक्त मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला उम्मीदवार कौन है, दूसरी पसंद वाला उम्मीदवार कौन है और तीसरी पसंद वाला उम्मीदवार कौन है। दोस्तों, सबसे पहले सभी मत पत्रों पर दर्ज पहली वरीयता का मत गिना जाता है। अगर पहली गिनती में किसी उम्मीदवार को तय वोट नहीं मिलते तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलता है उसे रेस से बाहर करके सभी वोट पर अंकित दूसरी पसंद के उम्मीदवार की गिनती की जाती है। और अगर दूसरी पसंद में भी तय वोट प्राप्त न हो पाए तो इसी तरह तीसरी वरीयता के वोट काउंट कर निर्णय लिया जाता है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधा कृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति रहे तथा एक बार राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। दोस्तों, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।